के प्रभावित व विस्थापित आधा दर्जन लोग अपने खिलाफ दर्ज मामले को हटाने के लिए कांग्रेसी नेता भास्कर मिश्रा के साथ पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। विस्थापित लोगों ने पुलिस अधीक्षक से अपनी फरियाद की। उन लोगों ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि रोजगार मांगने के दौरान एनसीएल गौरवी क्षेत्र के ओवो बोर्डन का कार्य कर रही नीलकंठ कंपनी ने हम लोगों के खिलाफ द्वेष बस एक तरफा मामला दर्ज कर लिया है, जबकि हम लोगों ने एनसीएल गौरवी में ओवो बोर्डन का कार्य कर रही नीलकंठ कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर बदसलूकी और मारपीट करने का मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। हम लोगों के खिलाफ एक पक्षीय विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, इसलिए हम लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज हुए हैं उसको हटाया जाए व हम लोगों को नीलकंठ कंपनी में रोजगार दिलवाया जाए। सिंगरौली से संवाददाता देव प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। आप लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे, कहाँ का मामला है बताएं? ये मामला गोरबी बी ब्लॉक के विस्थापितों का है और ये जो ग्रामीण हमारे साथ आपको दिख रहे हैं, इनके खिलाफ पुलिस ने गैर जरूरी तरीके से मुकदमा कायम कर दिया है। ये लोग वहाँ के विस्थापित और प्रभावित हैं, रियल विस्थापित और प्रभावित हैं, जिनको वहाँ जिनका पूर्णतः हक बनता है कि वहाँ के जो भी कंपनियां आती हैं या एनसीएल में रोजगार इनको दिया जाए, क्योंकि ये लोगों ने अपनी जमीनें दे दी जो विस्थापित हैं और जो प्रभावित हैं उनकी जमीनें खराब हो जा रही हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है। इनके पास रोजगार अगर नहीं मिले तो कोई भी चारा नहीं है कि ये अपने परिवार का पालन कर सके, लेकिन इसके बावजूद जब ये लोग रोजगार मांगने जाते हैं तो पुलिस उल्टा सीधा चार्जेस लगा करके इनके ऊपर मुकदमा कायम कर देती है, प्रशासन कंपनी के वहाँ के कंपनी के इशारे पे। अभी 15 तारीख को इन लोगों ने वहाँ पे जाकर के रोजगार मांगने की कोशिश की थी तो पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया है। माननीय एसपी महोदय के यहाँ हम आए थे उस मुकदमा को वापस कराने के लिए, इनसे निवेदन हमने किया है कि ये नाजायज तरीके से मुकदमा इन पर कायम किया है वहाँ ग्रामीणों पर और इसको वापस लिया जाए। आपने कंपनी के ऊपर आरोप लगाया है कि फर्जी यहाँ विस्थापित दिखाए हुए हैं, जैसे पटरी का मामला है कि सिंह करके ठाकुर बना के किसी को नियुक्त दिए हैं बाहर से ले आकर के झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, बिहार और इधर मध्य प्रदेश में दूसरे जिलों से, जैसे कि सीधी, रीवा, सतना और यहाँ तक कि छिदवाड़ा बालाघाट से लोगों को ले आकर के भर्ती किया गया है, ठीक है ना। और जब हम लोगों जी जब बांदा जिले तक है, बांदा यूपी में है, तो वो तो मैं बोल दिया, तो जो यहाँ के जब हम लोगों ने इस पर दबाव बनाया स्थानीयता के लिए और सूची मांगना शुरू किया, तो जब सूची देना पड़ा उनको तो वो लोग फर्जी तरीके से यहाँ का एड्रेस डाले। और इसका सबसे जीता जाता दो उदाहरण है, एक तो महदैया में दो तीन फर्जी हमारे पास प्रमाण है, अगर चाहिए तो हम दे सकते हैं किसी को, प्रशासन को चाहिए तो। दूसरा, आप जानते हैं कि पलरी गांव में एक भी सिंह टाइटल का कोई भी निवासी नहीं है, पलरी गांव का नागरिक नहीं है, लेकिन वहां की लिस्ट में सिंह नाम का, फलाना सिंह नाम का कई तीन चार लोगों का नाम लिखा गया है। और वहां यह भी नहीं, खिरवा के निवासियों का पलरी में शामिल करके लिख दिया गया है। इस तरीके से गोलमाल करके और जानबूझ करके, चूंकि वहाँ भारी करप्शन के आधार पर लोगों को रोजगार दिया गया है, तो जानबूझ करके ये यहाँ की जनता को और प्रशासन को भ्रमित करने का काम किया गया है। इसलिए 420 का मुकदमा बनता है सीधे सीधे कंपनी पर, और कंपनी ने और एनसीएल ने, वहाँ की कंपनी और एनसीएल बी ब्लॉक ने कई बार वहाँ के विस्थापितों के साथ निहायत बदतमीजीपूर्ण व्यवहार किया है, यहाँ तक कि गाली गलौज दिया है। एक व्यक्ति का कागज फाड़ दिया था जब वो रोजगार मांगने गया था, लेकिन उन लोगों ने जब वहाँ पुलिस को आवेदन दे रखा है FIR के लिए कंपनी के खिलाफ, एनसीएल के कर्मचारियों के खिलाफ, SC ST में कई थाने में भी कई आवेदन पड़े हैं, लेकिन आज तक एक भी मुकदमा उन लोगों के खिलाफ कंपनी और एनसीएल के खिलाफ कायम नहीं हुआ। मिले थे गोरबी क्षेत्र के, क्या मामला है, इनकी क्या मांगे हैं? कि गोरबी क्षेत्र के कुछ विस्थापित मेरे पास आए थे और इनका ये कहना था कि पूर्व में जो इनके द्वारा आंदोलन किया गया है उसमें एक पक्षी कार्रवाई की गई है, इनके पक्ष को नहीं सुना गया है और जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई। इनका जो भी विषय है, जो भी आवेदन दिया है, उसको निष्पक्षता से देखेंगे और जो भी समुचित उसमें निकल के आएगा उस हिसाब से।